हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हाँ शारिक साहब पूछ रहे हैं। सर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने लिए जलगांव से रिलेटेड की है, क्या मामला हुआ जलगांव में? महानगरपालिका के मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब। जलगांव महानगरपालिका में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के 3 कॉर्पोरेटर्स हैं। 1 कॉर्पोरेटर वहां के जिला अध्यक्ष का सगे हकीकी भाई है। ये तीनों कॉर्पोरेटर्स ने अपने तौर पर पार्टी की पॉलिसी और प्रोग्राम से हटकर शिवसेना के डिप्टी मेयर और मेयर के कैंडिडेट को वोट दिया। इसके नतीजे में हमारे विश्वास को, पार्टी लीडरशिप के विश्वास को और जो जनता ने उनको वोट दिया था शिवसेना भाजपा कांग्रेस राष्ट्रवादी के अगेंस्ट में, उसको ठेस पहुंचा। इस बात की गंभीरता को महसूस करते हुए हमने आज उनको शोकाद नोटिस इशू की है और उसी के साथ हमने लिखा है कि हम आपको पार्टी पोस्ट और मेंबरशिप से निलंबित करते हैं जब तक के शोकाज नोटिस का मामला डिसाइड नहीं होता। 21 तारीख को 2 बजे उनको यहाँ बुलाया गया है पार्टी ऑफिस में, उनका एक्सप्लेनेशन लिया जाएगा। उस एक्सप्लेनेशन को ओबीसी साहब के सामने, इम्तियाज जलील साहब के सामने रखा जाएगा, फिर कार्रवाई की जाएगी। एक बात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम कहना चाहते हैं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अपनी पूरी ताकत के साथ, भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या इनकी महाविकास आघाड़ी हो, इनका हिस्सा नहीं बनेगी और नहीं बनना चाहिए। हम अपनी ताकत पर इनके खिलाफ लड़ते रहेंगे, सियासी तौर पर, समाज में और जहां कहीं चुनाव है वहां लड़ते रहेंगे। इसलिए पूरे महाराष्ट्र में ये मैसेज जाना चाहिए कि पार्टी ने इस बात को गंभीरता से लिया है, सीरियस लिया है और हम आइंदा इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं करें। अमरावती में जो मामला हुआ है, अमरावती में भी पार्टी विरोधी का जो कार्रवाई होगी उस सिलसिले में क्या पनिशमेंट है? अमरावती में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का चुनाव था। वहां की महानगर पालिका में हमारे 10 नगर सेवक है, 2 स्टैंडिंग के मेंबर है। स्टैंडिंग का कंपोजिशन ऐसा था कि 9 भाजपा के सदस्य हैं और 7 शिवसेना का, 1 कांग्रेस के, 3 एमआईएम के, 2 बीएसपी का, 1। हमारे उम्मीदवार ने जो स्टैंडिंग का सदस्य था चेयरमैन का फॉर्म भरा, उस चुनाव में वो इलेक्शन हार गया। उसको शिवसेना के उम्मीदवार ने, कांग्रेस के उम्मीदवार ने वोट दिया। यकीनन उनकी कोई बातचीत पहले हुई होंगी। हमने उनसे कहा कि इस किस्म के कोई फैसला आपको करना है तो पार्टी के जिम्मेदारों से पूछकर करना, उनकी मदद भी लेना कि नहीं लेना अपन तय करें, और उनकी मदद क्यों लेना अपन। इसलिए इस बात को जलगांव की बात से थोड़ा मुख्तलिफ समझना पड़ेगा। जलगांव में हमारे कॉर्पोरेटर ने शिवसेना उम्मीदवार को वोट दिया, अमरावती में कांग्रेस के 3, शिवसेना का 1, इन्होंने एमआईएम के उम्मीदवार को वोट दिया। फिर भी हमने उन 10 कॉर्पोरेटर को बुलाया था परसों, उनको एक लेटर दिया और कहा कि पार्टी इस बात को नापसंदीदा समझती है, इसके बाद कोई भी फैसला आपको करना है पार्टी के जिम्मेदारों से मिलकर कीजिए। मगर जलगांव का जो मामला हो गया, अति हो गया, हमारे जो कॉर्पोरेटर है वो शिवसेना को वोट दे रहे, ये शर्मिंदगी की और हमारे लिए झटके की बात है जो हम सहन नहीं कर सकते। एमआईएम सेकुलर कुवतों को मजबूत करने की बात करती है, शिवसेना की तारीख में सेकुलर कुवतों के साथ है, आघाड़ी बनाई हुई है, फिर एमआईएम की मुखालिफत की वजह क्या? ये एक ऐसा बहस है कि आप शिवसेना की बात पे बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, बेचारे माननीय उद्धव ठाकरे जी ने विधानसभा में अभी
जो बजट सेशन था बहुत शान से कहा था कि बाबरी मस्जिद को ढाने वाले शहीद करने वाले मेरे शिव सैनिक थे, उस पर मुझे नाज है। अगर आप इसको सेकुलर समझते हैं तो आपका मैं हम सेकुलर नहीं समझ सकते। जब तक बाबरी मस्जिद की शहादत के मसले पर शिवसेना माफी नहीं मांगेगी और इस बात का एहसास कांग्रेस पार्टी को नहीं, तो कहाँ से क्यूरेशन उनको सेकुलर बताएंगे आप? बहुत सारी बातें हैं, सावरकर का मसला है, बाबरी मस्जिद का मसला है, पर्सनल आपकी बात है। ये जो महाआगामी है ना, सेक्युलर आइडियोलॉजी में नहीं बनी। आपकी मालूम इजाफा करता हूँ, एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम है उनका। आज भी अगर ये समझ गए शिवसेना सेक्युलर हो गई या कांग्रेस हिंदुत्व हो गई, ऐसा नहीं है। दे हैव कम टुगेदर ऑन मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, ये बात है। इसलिए आप शिवसेना को सेक्युलर होने का सर्टिफिकेट देंगे तो बेहतर होगा भाई। चलिए ठीक है।